और मेरे हिसाब से सर जैसे मेरे साथ है कि आपको कोई कंपलसरी नहीं है कि आप कोचिंग करके ही मतलब आप यूपीएससी चाहे कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। आप बेसिकली अपने घर से तैयारी रखकर मेन चीज़ मैटर ये करता है सर आपका डेडिकेशन लेवल क्या है, आप कितने मतलब कंपोजिट हो, कितने डिटर्मिंड हो अपने प्रिपरेशन के लिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक्चुअली में आपको तरह का माहौल मिल जाता है, आपको उस वैसा परिवेश मिल जाता है आपको तैयारी करने के लिए। यूपीएससी की कितनी साल से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे? मुझे एक साल हुई अभी आए। कौन आप कहाँ से आए हुए हैं यहाँ पे प्रिपरेशन करने? सर हम तो यूपी से हैं सर, गोरखपुर। ये स्टैंड है, हमने यहाँ पे पहले भी वीडियो एक रिकॉर्ड किया था, अगर आपने देखा होगा तो। हमने तिवारी जी चाय वाले हैं उनका भी वीडियो रिकॉर्ड किया था, पहले आपने देखा होगा तो। और आज भी हम देखेंगे। नमस्कार भाई। नमस्कार। क्या नाम है आपका? विक्रम। विक्रम भाई किस चीज़, आप यहाँ पे किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं क्या? यूपीएससी। यूपीएससी की कितनी साल से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे? मुझे एक साल हुई अभी आए। कौन से कोचिंग में कर रहे हैं आप? दृष्टि में। दृष्टि में जब आपने ज्वाइन किया था एक साल पहले तो आपको कितना चार्ज पे करना पड़ा था? मेरा एक 40 तो दो तो मतलब इसके अंदर तो इंस्टॉलेशन में 40 और 1,00,000 रुपये मैंने पे किए थे उस बाद में दिया। उसके बाद जो दृष्टि की बुकलेट वगैरह होती हैं, टेस्ट सीरीज होते हैं क्या, उसके बाद वो आपको सारी अवेलेबल कराता है या उसके बावजूद भी कुछ पैसे लेता है? वैसे वो उसके बावजूद पैसे तो नहीं लेते कुछ भी, वो तो जैसे फीस कंप्लीट जमा हो गई उसके बाद टोकन मिल जाते हैं, और टोकन से जैसे टेस्ट सीरीज सेंटर से ले लो या तो, और जैसे खुद से ख़रीदना चाहिए टेस्ट सीरीज सेंटर तो ये टेस्ट सीरीज के अलग से तो वो खुद भी ले सकते हैं, या फिर अदरवाइज कोचिंग कर प्रोवाइड करवाती है वो चीज़ें। तो दृष्टि में अभी कैसे पढ़ाई चल रही है, ऑनलाइन किस तरीके से हो रही है पढ़ाई बताइए कुछ? वही क्लासेज चल रही है, प्रॉपर तरीके से चल रही है, कोई मतलब ऐसी दिक्कत तो नहीं है खासकर। आप कहाँ से आप आए हुए हैं तैयारी करने यहाँ पे? मैं राजस्थान से। राजस्थान से, तो आप देख सकते हैं आपको देश के हर राज्य के लगभग बच्चे यहाँ पे मिल जाएंगे। आप यहाँ पे रेंट पे ही रहते होंगे? हाँ पीजी में। वही तो आपका कितना पीजी में चला जाता है रेंट? 6,500 रुपये तो पीजी का खर्चा होता है, और ऊपर से मतलब 8,000-9,000 रुपये लगा लो खर्चे के लिए। 8,000-9,000 आपका खर्च हो जाता है। आप अकेले ही रहते हैं यहाँ पे? हाँ। तो उसमें आप खाना पीना खुद बनाते हैं या फिर बनाए? नहीं, पीजी में तो बना बनाया ही मिलता है। पीजी में बना बनाया ही मिलता है। आप कौन से पीजी में रहते हैं उसका नाम बताइए? मैं राणा पीजी है, यहाँ से तो काफ़ी दूर है, 500-700 मीटर वहाँ पर आप रहते हैं। तो अब आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी पहले करते थे वो चले गए थे क्या, अब आपको ऐसा लग रहा है कि दीपावली के बाद वापस आने लगे हैं? हाँ कुछ मतलब जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ था ना तभी से बच्चे आने स्टार्ट हो गए थे। अब जैसे दृष्टि है उसके अंदर तो ऑनलाइन टेस्ट वगैरह भी चालू हो गए थे, और बुक्स वगैरह भी वहाँ पर जो इसकी शॉप्स है वहाँ पर मिलने लग गई, तो बच्चे मतलब लगभग में वापस आ रहे हैं। जैसे मेरे भी फ्रेंड्स हैं तो वो भी यही बताते हैं कि हम भी वापस आ रहे हैं। ये बताइए मतलब ज़्यादातर आ गए यहाँ पे मुखर्जी नगर में जो हिंदी मीडियम के लिए जो कोचिंग है वो सबसे अच्छा कौन सा है? हिंदी मीडियम के लिए तो बेस्ट तो देखो मैं तो दृष्टि को ही दूंगा, क्योंकि मैंने अभी तक इसी में पढ़ा है, बाकी के बारे में सुनने को भी इतना नहीं मिलता, और साथ में मतलब अच्छा है, दृष्टि बेस्ट मानता हूँ। एक और यहाँ पे भाई मौजूद है। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम संगीत है। आप किस चीज़ की भैया प्रिपरेशन? यूपीएससी की। यूपीएससी की। आप कहाँ से आए हुए हैं यहाँ पे प्रिपरेशन? सर हम तो यूपी से हैं सर, गोरखपुर से। यूपी गोरखपुर से। आदित्यनाथ के जी संसदीय क्षेत्र से हूँ। तो ये बताइए भाई आपको यहाँ पे क्यों बेस्ट लगा, मुखर्जी नगर ही क्यों अच्छा लगा आपको? देखिए यहाँ पे क्या है कि एक्चुअली में आपको तरह का माहौल मिल जाता है, आपको उस वैसा परिवेश मिल जाता है आपको तैयारी करने के लिए। यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे होते हैं, आपको मटेरियल्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं काफ़ी इजीली, और ये सब कारण है कि मतलब क्या है कि लोग बच्चे अपने घर से यहाँ आके तैयारी करते हैं सर। तो ये सारे हमको लगता है कि इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो बच्चों को यहाँ पे लेके आते हैं। आप कौन से कोचिंग में कर रहे हैं? सर हमने सेल्फ स्टडी किया है, कोचिंग अभी तक नहीं किया है। कुछ हमारे सीनियर्स हैं जो हमको हमेशा गाइड करते रहते हैं, तो उनके प्रेजेंस में हमको कभी कोचिंग का जरूरत नहीं पड़ा, इसलिए सर क्या है कि अभी तक हमने कोचिंग की ज्वाइन नहीं किया सर। अभी आप ये बताइए कि दीपावली के बाद कुछ लोग कह रहे थे बच्चे आना शुरू हो जाएंगे, तो क्या ऐसा लग रहा है आपको कि बच्चे आना शुरू हो गए हैं? देखिए सर बच्चे तो आने लगे हैं, लेकिन सर फिर से कोविड का यहाँ पे एक वेव स्टार्ट हो गया है चूँकि दिल्ली में, और सुनने में आ रहा कि जो
कुछ पर्टिकुलर जगह जहाँ पे हॉटस्पॉट एरिया हैं कोविड के, वहाँ पर लॉकडाउन लगेंगे। लेकिन अब एग्ज़ाम्स वगैरह स्टार्ट हो गए तो बच्चे तो कुछ आ ही रहे हैं, अब उस फुल वे में नहीं आए हैं, फुलेस्ट वे में नहीं आए जैसे कि पहले थे। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रस होता था पहले वैसा अभी तक नहीं है, वैसा अभी नहीं है फिलहाल। लेकिन बच्चे तो कुछ ना कुछ आ रहे हैं जो पहले चले गए थे मार्च अप्रैल में, उसके बाद से कुछ ना कुछ तो यहाँ पे परसेंटेज में मतलब इंक्रीज़ हुआ है। तो बच्चे आए ऑब्वियसली, लेकिन पूरी तरह से नहीं आए। क्या आप लॉकडाउन में घर गए थे? जी मैं घर नहीं गया था क्योंकि सर बीच में जाना था, घर वाले भी बुला रहे थे, लेकिन सर जा नहीं पाए क्योंकि सर साधन नहीं था उस समय। और दूसरी बात क्या सर, हमको उतना प्रॉब्लम हुआ नहीं सर, हम अपना सामान वगैरह रख लिए थे तो नहीं गए सर, और बाद में जरूरत भी नहीं पड़ी। तो किराया का क्या फ़र्क पड़ा लॉकडाउन में, किराया बढ़ा या घटा? सर किराया तो नहीं सर घटा नहीं सर, किराया तो जैसे था वैसे ही था सर, जैसा है वैसा था। लेकिन सर जैसे कि लोग बीच में लोग मकान मालिक लोग कुछ भी पैसा कम नहीं किए, वैसे ही था सर। अब जैसे हुआ है आदमी दिया है जो भी, लेकिन पैसा तो कम नहीं किया था सर। हाँ कहीं सुनने में ज़रूर आया कि सर कुछ लोग जो हैं जो थोड़े थे लिबरल लोग, वो लोग कुछ कम किए 500-1000 रुपये, लेकिन बाकी सब तो मेरे साथ तो सर ऐसा नहीं हुआ सर, मेरा किराया जैसा था वैसा ही है। वैसा ही गया जी जी जी। तो अभी जो बच्चे आना चाहते हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे, आप आना चाहिए या नहीं? सर देखिए आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो आपका आपको मटेरियल्स कहीं भी मिल जाएंगे। और मेरे हिसाब से सर जैसे मेरे साथ है कि आपको कोई कंपलसरी नहीं है कि आप कोचिंग करके ही मतलब आप यूपीएससी चाहे कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। आप बेसिकली अपने घर से तैयारी रखकर, मेन चीज़ मैटर ये करता है सर आपका डेडिकेशन लेवल क्या है, आप कितने मतलब कंपोजिट हो, कितने डिटरमिंड हो अपने प्रिपरेशन के लिए। और कुछ आपके मतलब आजकल यूट्यूब पर भी बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पर आप गाइडलाइन ले सकते हैं। और चूंकि लॉकडाउन में आप जानते हैं कि लॉकडाउन के वजह से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ा है कि आपको इंटरनेट इंड्यूसी मतलब क्या है कि प्रिपरेशन पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा होने लगा है, तो उससे आपको काफ़ी वहाँ पे एक तरह से हेल्प मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से सर जो जहाँ है अगर बहुत ज़्यादा नीड ना हो, बहुत ज़्यादा जरूरत ना हो तो यहाँ आ सकता है, वरना सर अपने अपने जगह रह के भी पढ़ाई लोग कर सकते हैं। मेरा मानना है कि सर क्योंकि सर आजकल हर जगह अवेलेबल आपको मतलब क्या सोर्स है, मटेरियल्स हैं, और अगर नहीं भी है तो मानिए यहाँ पे बहुत सारे जो भी शॉप्स होते हैं वहाँ से आप कुरियर करवा सकते हैं अपने सामान अपने जगह पर जहाँ पर हैं, तो पढ़ाई कर सकते हैं सर। और मेरे हिसाब से तो सर 50-50 है सर, जिसको आना है बहुत अर्जेंट है आ सकता है, नहीं आना है तो सर कोई बात नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से सर कोविड अभी है तो वहीं रहे जहाँ रहना है, बस वही है कि अपना पढ़ाई लिखाई करते रहे सर, उसमें किसी प्रकार का ढिलाई मत करे मेरे हिसाब से सर। यहाँ पे एक और भाई मौजूद है, क्या नाम है भाई आपका? हाँ अमित कुमार। अमित भाई आप ये बताइए, अमित भाई क्या आप यहाँ पे किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? जी यूपीएससी का। आप भी यूपीएससी? जी हाँ। कितनी साल से कर रहे हैं आप ये? मैं आया था 2016 में। आप 2016 से यहाँ पे कर रहे हैं, ये बताइए आपको ऐसा क्या लगा कि यहाँ पे ही करनी चाहिए कहीं और क्यों नहीं? यहाँ एक इन्वायरमेंट है, माहौल है उस तरह का, मटेरियल इजीली मिल जाता है आपको, बहुत सारे कोचिंग्स हैं, गाइडेंस बहुत आसानी से मिल जाते हैं, और यही सब है सर। आप भी यहाँ पर रेंट पर रहते होंगे, आपका मंथली कितना चला जाता है? मंथली सर कुल मिला के मेरा 8000 तो चला जाता है। 8000 तक चला जाता है। आप कौन से कोचिंग से कर रहे हैं? जी मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। सेल्फ स्टडी दोनों भाई साथ में रहते हैं? ये तो मुझे जान के भी काफ़ी खुशी हुई कि ये लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन ये बताइए अभी जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं बच्चे आना शुरू हो गए हैं दीपावली के बाद, क्या सच में बच्चे आ रहे हैं? नहीं नहीं अभी परसेंटेज वो उतना इंक्रीज नहीं हुआ, इंक्रीज हुआ थोड़ा, लेकिन बहुत मतलब मुझे लगता है कि अभी जो जहाँ पे है वहीं पे रहना चाहिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन वापस से आने वाला, जैसा कि आप लोग ऑलरेडी न्यूज़ में सुन रहे होंगे, तो इसलिए घर पे भी रह के पढ़ाई हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोचिंग से ही कोई बच्चा निकाल सकता है यूपीएससी चाहे जो भी स्टेट पीसीएस वगैरह है, तो घर में भी रह के तैयारी कर सकते हैं हम लोग। तो क्या आप अभी क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, बच्चों को आना चाहिए या नहीं? इस तरह के कंडीशन में तो घर पर ही रहें तो अच्छा है, कुछ दिन और वेट कर लें, समय उस तरह से मतलब वायरस थोड़ा सा कम इफेक्टिव हो जाए तब आप निकल सकते हो। आपका रेंट क्या घटा था? रेंट तो जितना लग रहा था उतना ही लग रहा है, रेंट में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं समझे सिचुएशन को, कुछ लोग कम किए हैं तो ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे एक बात और बताइए भाई, क्या बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आप कोचिंग यहाँ पे खुल गए हैं, क्या कोचिंग अभी यहाँ खुले हैं? सर कोचिंग तो सर नहीं खुले हैं सर, जो कि
मेरे हिसाब से तो सर अभी कोचिंग जैसे ओपनली हमेशा खुला रहता था, जैसे चलता था वैसे नहीं खुले सर, मेरे जानकारी में तो कोई ऐसा नहीं है। मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपना जाते हैं, एडमिशन उनका है, लेकिन अभी तक तो वो नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब यही है संकेत कि अभी कोचिंग नहीं खुला है सर, और अंदर से चल रहा हो मैं भी सर, क्योंकि बहुत लोग हैं कि अपने ऑफिस में आके पढ़ा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मुझे इसकी बात की जानकारी नहीं है। बट सर कोचिंग तो मेरे हिसाब से सर अभी खुला नहीं है सर। आपको लग रहा है क्या भाई अमित भाई, कोचिंग खुलने अभी आने? नहीं नहीं, कोचिंग अभी नहीं खुला है पूरा, फुल फ्लेज ढंग से कोचिंग अभी नहीं खुला है। कुछ ट्यूशन्स वगैरह, हाँ होम ट्यूशन्स वगैरह चालू हैं, लेकिन कोचिंग वगैरह वैसे के वैसे हैं। तो यहाँ पे हमने ये भी जाना है कि कोचिंग अभी यहाँ पे खुलने हैं या फिर नहीं खुल रहे हैं, ये भी हमने जानने की कोशिश करी है, और दोनों भाइयों ने अच्छी तरीके से बताया भी है, समझाया भी है। जो बच्चे यहाँ पे आना चाहते हैं उनको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, आपको हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी यही जानेंगे क्या कोचिंग यहाँ पर खुल रहे हैं, कैसा भी यहाँ पर माहौल है। दोनों भाइयों को हम धन्यवाद भी करना चाहेंगे कि इन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। उसके बाद एक भाई और हैं, इनसे हमने भी बात भी की थी। ये बताइए भाई, आपको क्या ऐसा लग रहा है कि कोचिंग खुल रहे हैं अभी यहाँ पे? अभी तो इसकी कोई उम्मीद नहीं है कि कोचिंग खुल जाएगी। कुछ बच्चे कह रहे हैं कोचिंग खुलने लगे हैं। नहीं, ऐसी कोई वो नहीं है खुलने जैसा तो, लेकिन यह है कि कुछ चीज़ें जैसे उपलब्ध, जैसे मैंने पहले भी बता दी आपको, उपलब्ध होने लग गई है। तो और जैसे कि उन्होंने भैया ने कहा, जैसे अभी तक हो सके जितना घर पर ही रहकर भी इसके अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि वही ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे ये जानना चाहते हैं कोचिंग खुल भी रही है या नहीं, तो उनको मैं बता दूं अभी यहाँ पे कोई भी कोचिंग ओपन नहीं हुआ है, ऑनलाइन ही बच्चों को स्टडी कराई जा रही है, उनको पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अभी जहाँ तक भी है कोई कोचिंग ओपन नहीं हुआ है। हमने जो लोग हैं उनसे बातचीत भी की है और हम भी आपको बता रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।